नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। श्रीनगर के एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल फैकल्टी पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अदर्स जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन में से जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, उसका नाम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, लाइक बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड एमेट। ठीक है, यहाँ का लास्ट डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दोनों तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एज वेल एज उसका हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट यहाँ पे 10 मार्च यानी कि 10 मार्च को रखा गया है, एंड हार्ड कॉपी जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसका एक प्रिंट आउट आपको लेना है एंड देन आपको उसको जो है सेंड कर देना है। जो यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं इसी एड्रेस पे सेंड करना है। सेंड करने के लिए लास्ट डेट जो है वो है 15 मार्च, तो 8 तारीख से आप 15 मार्च के बीच में जो है हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के साथ मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है आपके पास, मार्कशीट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, सभी का जो है फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको साथ में सेंड करना है। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसके बाद चलते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50% रखा गया है। एंड नेट स्लेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, नेट या फिर स्लेट। अगर कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखा जाए मतलब शॉर्ट लिस्टिंग अगर यहाँ पे किया जाएगा तो वो मेरिट बेसिस पे किया जाएगा, जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड आपका है, जो भी अपने टेंथ क्लास टेंथ से लेकर अगर आपने पीएचडी किया है पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी डिग्री में कितना मार्क्स मिला था उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिये यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं लाइक कैसे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन में 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स अचीव किया था तो यहाँ पे आपको 15 स्कोर मिलेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स 60% या फिर उससे भी ज्यादा, 60% से लेकर 80% के बीच में था देन आपको 13 स्कोर मिलेगा। 55% टू 60% के बीच में अगर आपका मार्क्स था देन आपको यहाँ पे 10 स्कोर मिलेगा। 45% टू 55% के बीच में अगर था देन आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप बाकी के सारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन एम फिल पीएचडी के हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो देखिए नेट विद जेआरएफ अगर आपने किया है तो फिर 7 स्कोर मिलेगा, नेट विदाउट जेआरएफ यानी कि नेट एलएस अगर आपने किया है देन 5 स्कोर मिलेगा एंड स्लेट सेट के लिए 3 स्कोर। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से आपको कितना मिलता है उसके बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग यानी कि आपका रैंकिंग किया जाएगा फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। ठीक है, इसके बाद और कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है और कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब कहाँ पे आपको अप्लाई करना है वो एक बार दिखा देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कहाँ से करना है। तो पहले तो आपको आना है होम पेज पर। ठीक है, तो होम पेज में आके आपको लेफ्ट हैंड साइड में जॉब्स और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन आपको आपका और एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके देखिए पहले तो एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो एक बार पढ़ लेना कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो जेपीजी, बीएमपी और जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है, साइज 20 to 70 KB आप रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए नो चेंजेस आर अलाउड आफ्टर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर आप एक बार फाइनली सबमिट कर दिए उसके बाद कोई भी चेंजेस को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ कि बिफोर फाइनल सबमिशन एक बार अच्छे से प्रीव्यू करके जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो कंप्लीट है या नहीं, या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने
स्कैंड इमेजेस अपलोड किया है वो क्लियरली विजिबल है या नहीं, वो एक बार चेक करने के बाद ही जो है फाइनली सबमिट कीजिए, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस जो अप्लाई करना है उसके बाद पूरा प्रोसीजर आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट में से जो है यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन आया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की तरफ से, ठीक है। तो श्रीनगर का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, एंड कहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे आते ही आपको वेबसाइट पर आते ही आपको जॉब्स में जाना है। यहाँ पे क्लिक करते ही सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन दिखेगा, तो लिंक पे क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो बिफोर एप्लीकेशन एक बार अच्छे से जरूर रीड कर लीजिए। एक बार ही जो डेट्स वगैरह दिए गए हैं, कहाँ पे क्या सेंड करना है, हार्ड कॉपी के साथ साथ क्या क्या यहाँ पे सेंड करना है। वैसे तो यहाँ पे और भी मतलब कोई भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ सब्जेक्ट्स एंड बाकी के सारे डिटेल्स हैं क्वालिफिकेशन के साथ साथ। तो एक बार रीड कर लेना खुद से, फिर जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है, देन प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।